हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक पर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए वेदर कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा है इस टाइम पे। सुबह के टाइम का है ये, इस टाइम 8:30 बजे जैसे मैंने बताया, और इतना सुंदर वेदर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त पे। और फिर उसके बाद फिर मैं जब घर आ गई तो घर आके मैंने खाया था ये नमकीन सेवई। मैंने किक्की से बोला था बनाने के लिए, उसने बनाया था, फिर मैंने खाया इसको। इसमें एक्चुअली मैंने चीज़ वगैरह बोला था उसे थोड़ा थोड़ा ऐड कर देने के लिए, क्योंकि यार ना जब मतलब पीरियड वगैरह रहता है तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है इन सारी चीज़ों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे क्रेविंग अपनी ज़रूर पूरी करनी चाहिए, तो इसलिए मैं करती हूँ हमेशा जैसे मैं बता रही हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए। डॉक्टर को दिखाना है, एक दो काम और है उसको भी करना है। मॉर्निंग में मैं स्कूल गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा मॉर्निंग का वेदर कुछ और था, इस टाइम का वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब धूप बहुत तेज़ वाली है। रेडी हो गए हैं सब लोग, तो बस चलिए निकलते हैं, और जो भी होगा सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैंने जो कुर्ता पहना है ये कफ्तान कुर्ता है, इसका मैंने गेट रेडी विद मी भी शेयर किया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने मीशो से लिया है, कुछ 300-400 के अराउंड था। लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं। यार पता है मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, मुझे हर मतलब जैसे कार में बैठते ही इतनी तेज़ वाली नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद फिर हम लोग आज पता है एक और चीज़ हुई कि हम लोग जब जा रहे थे ये शास्त्री पुल पे, तो कोई मतलब एक लड़की थी वो पानी में जंप कर गई थी, बट फाइनली वो भगवान की कृपा से वो बच गई, उसे किसी ने बचा लिया था। फिर रास्ते में हम लोगों ने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदी थी, वो मैंने खाया। हालांकि मुझे प्लेन चिप्स ज़्यादा पसंद है ये फ्लेवर वाले से। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखिए यहाँ पे इलाहाबाद पहुँच चुके हैं प्रयागराज, और ये है मतलब पुल वहाँ का, नैनी पुल कहते हैं क्या, आई थिंक, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। इतनी बार गई हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत देखा है लोगों को अच्छी अच्छी रील्स वगैरह बनाते हुए, बट मेरे साथ कभी ऐसा सीन ही नहीं हो पाया कि मैं बनवा पाऊँ। फिर हम लोग पहुँचे डॉक्टर के यहाँ, और वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी डॉक्टर के यहाँ, तो वेट करने को उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो क्लिप था उसको शूट कर लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले। और फिर जैसे मैंने बताया था कि जो फ़ोन मिला था वो लॉक हो गया है, तो हम लोग फिर एप्पल स्टोर ढूंढने लगे थे कहाँ है। काफ़ी ज़्यादा घूमने घामने के बाद फिर हम लोगों को फाइनली एप्पल स्टोर मिला, और हम लोग फिर वहाँ गए। और वहाँ गए तो पता चला यार कि सर्विस सेंटर बंद हो चुका है 6 बजे ही, तो फिर हम लोग पहुँचे थे 7 बजे के अराउंड। फिर हम लोग को वापस आना पड़ा वहाँ से, और उसके बाद फिर ये वाली लेन जो है ना, ये पूरी मतलब जितने भी ब्रांडेड ब्रांड्स हैं सारी चीज़ें इसी लेन में आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम लोग पहुँचे नाइट मार्केट एज़ यूजुअल, जैसा आप लोगों ने पहले भी व्लॉग में मेरे देखा होगा। इस बार मम्मी भी साथ में गई थी तो उन्होंने भी देखा सारी चीज़ें। और यार जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, मतलब हर बार जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ नया ही देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर की तरफ गए। अब तो और भी बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे लग गई हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। वेज और नॉन वेज दोनों की वैरायटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं तो नॉन वेज खाती नहीं हूँ, और वैसे भी आज ट्यूसडे है तो आज मम्मी भी नहीं खाएंगी। तो बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या खाया जाए क्या खाया जाए, तो सबसे पहले ये हुआ कि चलो गोलगप्पे खाते हैं। जैसे ही हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए पहुँचे, यार इतनी तेज़ वाली बारिश आई ना, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हम लोग पूरे के पूरे भीग गए थे उस वक्त पे। तो फिर मैंने गोलगप्पे स्किप कर दिए, फिर मन नहीं हुआ उसको खाने का। फिर मैंने अपने लिए बनवाई पाव भाजी, और यहाँ पे मुझे दिख गया था तंदूरी मोमोज, तो फिर मैंने ये बोला बनाने के लिए वेज तंदूरी मोमोज। मुझे तंदूरी मोमोज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। आप रश देख सकते हैं, बारिश के बाद भी इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, और प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये रहा पाव भाजी, पाव भाजी का टेस्ट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब कुछ
ओके ओके था, जो मज़ा आता है पाव भाजी खाने, मैंने जैसा इमेजिन किया था वो रेड रेड वाला फ्लेवर, वैसा कुछ नहीं था इसमें। फिर उसके बाद मुझे दिख गया वेफल्स, तो मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो फिर मैंने उसमें अपना जो डार्क चॉकलेट वेफल होता है वो बनवाया था, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन आप एक ही खा पाओगे, इतना ज़्यादा मीठा होता है ना कि मतलब मुंह एकदम भर जाता है। फिर हम लोग ने पिया था यहाँ पे सोडा, मैंने और मम्मी ने, किकी ने और साई ने नहीं पिया था। ये मेरी मम्मी का ग्लास बन रहा है, और इसमें मैंने अपना फ्लेवर ब्लैक करंट बनवाया था, मम्मी का भी सेम ही था, ब्लैक करंट उनका भी था। तो इसका भी टेस्ट भी इसका ओके ओके था, अच्छा था। बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें आ रहे थे, साथ में मिंट था, लेमन था, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, सब चीज़ों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा था। और ये रहा मेरा हाथ में मेरा वेफल्स। यार इस वक्त पे भी मुझे बड़ा मन कर रहा है ये सारी चीज़ें खाने का दोबारा दोबारा से। और फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें थी, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कार में ही अपना जो वेफल्स था उसको खाया था, और उसके बाद फिर रास्ते में ये लोग एक जगह और रुके थे पानी वानी लेने के, तो वहाँ से हम लोग ने लाइट चने खरीदे थे। ये मैं खाते खाते घर पहुँच गई, और ये देखिए किकी ने खाया बॉयल एग। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, घर आके फिर मैंने यही थोड़ा बहुत इधर उधर किया था बस। हाय एवरीवन, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और इस टाइम बज रहे हैं रात के 10, और आके मैंने बस फटाफट से चेंज किया है, और अभी मैंने जो फेस वेस भी अपना वॉश नहीं किया है। मैं तो कार में एक दो बार मैंने एक दो नींद अपनी ले ली, नींद बहुत तेज़ आ रही है, तो मैं तो चली सोने। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। मेरा गला भी अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया, खराश टाइप की हो रही, क्योंकि वेदर यहाँ का थोड़ा सा चेंज हो गया है, बारिश भी हो रही है, साथ साथ धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू।